नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यहां सबसे ज्यादा सवाल अभी चल रहा है कि कॉलेजों में एडमिशन कब होंगे, कॉलेज एडमिशन सेशन 2023-24 के कब होंगे, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, हमें फॉर्म किस हिसाब से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या पूरी प्रक्रिया होती है एडमिशन की, किस हिसाब से हमें एडमिशन मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब, सारी जानकारी आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपको बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। अब चीजें आपको अलग तरीके से मैं यहां पे बताने वाला हूं, क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस भी देखो यहां पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है, यानी कि आपका डिपेंड करता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो सरकारी कॉलेजों के एडमिशन की प्रोसेस अलग होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एडमिशन लेने के प्रयास करेंगे तो उसके लिए प्रोसेस अलग होती है। जैसे बात करूं, कोई महाराजा कॉलेज के एडमिशन की बात करेगा, कोई महारानी कॉलेज की बात करेगा, और कोई बात करेगा यहां पर कोई एलबीएस कॉलेज कोटपुतली की, कोई बात करेगा सापरा के कॉलेज की, कोई बात करेगा दौसा के कॉलेज की। तो ठीक ऐसे जो कॉलेज हैं इनमें एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है यह आपको बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तथा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी जानकारी आपको मैं अवेलेबल करवाने वाला हूं, अवेलेबल होगी जानकारी जो आपको चाहिए सारी। तो बिल्कुल अगर कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज का वीडियो होने वाला है कॉलेज एडमिशन सेशन 2023-24 को, तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपको बता दूं कॉलेज एडमिशन, अब आपके यहां पर दो सवाल है। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका एडमिशन यहाँ पे लेना चाहते हैं 12th के बाद में, आप सबसे पहले तो इंतजार कर रहे हैं आपके रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब आएंगे, तो रिजल्ट मई के महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस होती है एडमिशन की वह कब होगी, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, कब प्रोसेस होती है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैं बता देता हूं कुछ चीजों के बारे में। महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, जो मैं लिख रहा हूं बस उसको समझना है जो मैं बोल रहा हूं। ये जो चार कॉलेज हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, ये अलग कॉलेज हैं, संगठक कॉलेज इनको हम बोलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। चार कॉलेज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं जिनका एडमिशन, ये चारों कॉलेज कहाँ हैं, जयपुर में स्थित हैं। महाराजा कॉलेज हो गया, महारानी कॉलेज फॉर गर्ल्स, राजस्थान कॉलेज की बात हो गई, आर्ट्स कॉलेज है, और कॉमर्स कॉलेज हो गया। ये चारों कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज हैं। इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, यूनिवर्सिटी देखता है। सबसे पहले आपको ये चीजें कन्फर्म करनी होंगी। इसके अलावा आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम में, ये चीज आप ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे बीए, बीएससी और बीकॉम। अब इसके अलावा अगर आप किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपके लिए फॉर्म लगता है उसका अलग, और इनके अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका अलग फॉर्म लगता है। जब एडमिशन फॉर्म आएंगे तब उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे महाराणा कॉलेज में, महाराजा कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ भी फॉर्म लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें किसी प्रदेश के सरकारी कॉलेज में, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में एडमिशन लेना है और मुझे महाराजा कॉलेज एडमिशन भी ट्राई करना चाहिए, मेरी परसेंटेज अच्छी बनने वाली है, उम्मीद है, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। तो जैसे लगता है उसको कि मुझे महाराजा में एडमिशन नहीं मिला, मान लो कि कट ऑफ ज्यादा चली गई, तो फिर मुझे क्या रहेगा, तो यहां पे आप फॉरम रख सकते हैं इसमें, ये चीज आप ध्यान रखें। तो दोनों फॉरम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इन चारों कॉलेज के लिए अलग एडमिशन होने वाला है, और जो प्रदेश के सरकारी कॉलेज है उनमें बीए, बीएससी, बीकॉम के अलग एडमिशन होने वाला है प्रोसेस। ये चीजें मैंने आपको बता दी आपके एडमिशन की कॉलेज से रिलेटेड, ये चीज आप ध्यान रखें। अब सवाल आते हैं इनसे सबसे इंपॉर्टेंट कि एडमिशन कौन कौन ले सकता है, पात्रता क्या होने वाली है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें, आपका होना चाहिए भैया 45% आपका होना चाहिए 12th में, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। ये आर्ट्स के लिए है, आर्ट्स एंड कॉमर्स है ना, और 48% आपका होना चाहिए साइंस में। कम से कम आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये चीजें हो गई। अब इसमें भी एक चीज आपके लिए लागू है, ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आपके लिए प्रोसेस होने वाला है। लेकिन अदर स्टेट से और राजस्थान से आप मतलब कि बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों में या फिर अदर जो कॉलेज हैं उनके अंदर, तो उसमें क्या है, आपका 60% चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए। तो ये चीज यहाँ पर लागू होती है, ठीक है। ये बात हो गई इसके परसेंटेज वाली की, इतने परसेंटेज। अब ऐसा नहीं है किसी का 90% है तो जरूरी नहीं है भैया उसका एडमिशन हो ही जाएगा, वो तो कट ऑफ आती है कॉलेजों में, मतलब कि फॉरम लगते हैं सारे। अब प्रोसेस वो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि प्रोसेस क्या होने वाली है, इस पे बताऊंगा। ये पात्रता की मैंने बात कर ली है, फॉरम कब तक आएंगे।
अब देखो मई के महीने में आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो यहां पर पहले ही कह दिया गया है कि जून में, अभी छुट्टी भी पड़ने वाली है कॉलेजों की जो चल रहे हैं, अभी एग्जाम चलते रहेंगे, फिर रिजल्ट का वेट करते रहेंगे, अभी कॉलेजों वाले के प्रैक्टिकल भी होने बाकी हैं, तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन कॉलेज का जो वीक मतलब छुट्टी वाला जो सेशन होता है ना, वो होता है लगभग ये मान के चलिए मई के बाद में, तो जून में उसी छुट्टियों के दौरान ही आपकी परीक्षा मतलब कि आपका एडमिशन प्रोसेस होता है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का। ये चीज आप जानेंगे, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों क्या करना होता है रेगुलर एडमिशन के लिए उनको फॉर्म लगाना होता है, तो फॉर्म कब भरे जाएंगे, जून में भरे जाएंगे। अब ये जब ध्यान रखें, जून में शुरू में भी हो सकते हैं, मिडिल के आसपास, रिजल्ट आने के बाद में प्रोसेस शुरू होगी, आपके ट्वेल्थ का रिजल्ट जो आएगा उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये चीज आप ध्यान, एक वीडियो है, लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि सारी चीजें आपको एक वीडियो में बता दूंगा, बार बार आपको देखने नहीं पड़ेंगे और वीडियो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैं वादा करता हूं कि आपको सारी चीजें जब एडमिशन आपका हो जाएगा तो आपको सारी चीजें और भी देखने को मिलेंगी, किस हिसाब से आपको कंटिन्यू सेशन चलाना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, ये सारी चीजें आपको जुड़ी हुई देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं हमारे पिछले जो वीडियो है, जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें पिछले सेशन में मैंने कंप्लीट बताया एग्जाम तक की सारी अपडेट्स आपको दी हैं। तो ये हो गया इससे रिलेटेड, फोरम आपके जून में आएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। आवश्यक दस्तावेज की बात करूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो पहले बनाना, उसका कारण आपको बता देता हूं। काफी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, किसी का नाम में इशू है, काफी जानकारी ऐसी उल्टी होती है जो कि मतलब अदर डॉक्यूमेंट्स में होती है, यानी कि किसी के नाम में टेंथ के मार्कशीट में और कुछ है, आधार कार्ड में और कुछ नाम है, तो ऐसी चीजें आप पहले ही सही करवा लीजिए जिससे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, टेंथ ट्वेल्थ जो आपका रिजल्ट आएगा तब आपकी मार्कशीट भी आपको देखने को मिल जाएगी, नेट वाले मार्कशीट से फॉर्म भरा जाएगा, चीज आप ध्यान रखें, वो बाद की बातें हैं। वो तो रिजल्ट आने के बाद में फॉर्म शुरू होगा, तो यूनिवर्सिटी भी सोचती है कि जब मार्कशीट उसके पास अवेलेबल होगी, स्टूडेंट के पास रोल नंबर उसके पास अवेलेबल होगा, रिजल्ट उसके पास अवेलेबल होगा, तभी आपका फॉर्म शुरू होता है। तो ये हो गया टेंथ ट्वेल्थ आधार, और बात करते हैं यहां पर जनाधार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पासबुक, बैंक पासबुक जो होती है आपकी, ये चीज आप ध्यान रखें, और फोटो है ना, ये चीजें मैंने आपको बता दी, टेंथ ट्वेल्थ आधार जनाधार पासबुक और फोटो, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, टेंथ ट्वेल्थ आधार जनाधार पासबुक फोटो, ये आपको रखनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसमें एक चीज आपको बता देता हूं कि जो एससी एसटी कैटेगरी से है ना, एससी हुआ एसटी हुआ ओबीसी हुआ एमबीसी हुआ अल्पसंख्यक हुआ, तो वो अपने अपने प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होता है, जिसको लगाना है वो लगा दीजिए, आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो कट ऑफ आती है, जो एडमिशन प्रोसेस होता है, वो परसेंटेज के बेसिस होता है और हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलती है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उसी बेस पे आपका नंबर आता है, तो जैसे मान लो कोई ईडब्ल्यूएस है तो भैया ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट बनवाइए, कोई जाति प्रमाण पत्र है किसी का तो जाति प्रमाण पत्र अपडेट करवा लीजिए, जैसे मतलब कि ओबीसी वालों का अपडेट होता है, एससी एसटी वालों का तो एक बार बना हुआ होता है, उसी को मतलब अपडेट करवाने की जरूरत नहीं होती, तो ये आपको स्टेट के अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, और अदर स्टेट से है तो कोई सेंटर वाला उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करते हैं आवश्यक दिशा निर्देश, जो कि मैंने ये बोले हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट सारे तैयार करवा लीजिए, किसी के करेक्शन करवाना है किसी डॉक्यूमेंट्स में तो वो भी करवा लीजिए, बैंक पासबुक वगैरह सारी चीजें करवा लीजिए। दूसरी आवश्यक निर्देश में क्या है, अगर किसी के पास टेंथ और ट्वेल्थ में कोई स्काउट से रहा है या फिर किसी खेल का प्रमाण पत्र रहा है, ऐसे एनसीसी वगैरह प्रमाण पत्र रहा है, तो वो आपको फॉर्म भरते समय जरूर ऐड करने हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। कैडेट वाले हो, किसी के परिवार में मतलब कोई राजस्थान पुलिस में है या फिर अदर सेवा में आर्मी वगैरह में है, सीआईएसएफ सीआरपीएफ जो भी है, उसमें भी आपको यहाँ पे बोनस अंक मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तीन तीन चार चार नंबर आपको बोनस के देखने को मिलते हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको देना, ये चीज आप ध्यान रखें। जब एडमिशन होगा तो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जानकारी मांगेगा आपसे कि आपके परिवार में कोई मतलब सीआईएसएफ में है सीआरपीएफ में आर्मी में है, वह जानकारी मांगेगा, तो बिल्कुल अगर कोई है तो आपको देनी है, जिससे आपको मतलब फायदा मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और परिवार की जानकारी आपको देनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये हो गया आवश्यक दिशा निर्देश, बोनस के लिए हो गया कि बोनस प्रमाण पत्र आपको इस तरीके से अवेलेबल करवाना पड़ेगा, नहीं है तो किसी का मतलब की कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि एडमिशन के लिए मुझे क्या करना है, इतनी जानकारी मैंने ले ली, लेकिन अब मैं क्या करूं, तो सबसे पहले क्या करना है, फोरम, देखो सबसे पहले भरा जाएगा फॉरम, ई मित्र के माध्यम से फॉरम भरा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। कोई घर से भरना चाहिए तो भैया आज ही वेबसाइट बता देता हूँ, SSOID के माध्यम से DCE डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से अभी पोर्टल दिया हुआ है, उसको मतलब कि वहां से फॉरम आपको भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उसके बाद में फॉरम भरने के बाद में क्या होगा आपको कॉलेजों में, अब फॉरम क्या है, एक महीने तक चलने वाले हैं, जैसे जून में फॉरम आएंगे तो लगभग ये मान के चलो 20-25 दिन आपके चलेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। और जब फॉरम चलेंगे उसके बाद में क्या आएगा कि कट ऑफ आएगी ना कॉलेजों में, यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलेगी, पहले लिस्ट ना कट ऑफ लिस्ट, जिसको हम फर्स्ट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, ध्यान रखो वेटिंग लिस्ट भी साथ में ही आती है मेन लिस्ट के साथ में, और उसको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है और फीस जमा करवानी होती है। कट ऑफ लिस्ट आने के बाद में क्या होगा, फीस जमा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो इसमें भी आपका लफड़ा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा, कॉलेज में आपको जमा करवाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सही है ना, ऑनलाइन जो जानकारी आपने दी है वो सारे सही है ना। उसके बाद में ईमित्र के माध्यम से आपकी फीस जमा होगी, उसके बाद में एक फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल एडमिटेड,
कि कितने लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया है, ये चीजें हो गई हैं आपके एडमिशन से रिलेटेड। तो इस प्रोसेस को आपको समझना है, मैंने आपको जानकारी दे दी है। फॉरम आएंगे, उसके बाद में लिस्ट आएगी, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद में फीस जमा होगी। फीस ई मित्र के माध्यम से होती है, लेकिन पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, जिसमें 10th 12th हो गया, TC हुआ। अब ऑनलाइन फॉरम भरते समय TC नहीं चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें, वो बाद में चाहिएगी ये, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चाहिएगी TC, ये चीज आप ध्यान रखें, पहले नहीं चाहिएगी ऑनलाइन फॉरम भरते समय। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है, तो ये जानकारी। फीस जमा हो जाएगी, उसके बाद में फाइनल सबमिटेड हो जाएगा। काफी लोग वेटिंग में रहेंगे, काफी लोगों का डॉक्यूमेंट्स करेक्शन मतलब प्रॉब्लम रहेगी, तो वो चीजें फाइनल एडमिटेड लिस्ट आएगी, उसमें नाम मिल जाएगा, हाँ आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। इसके मैसेज भी आपको देखने को मिलेंगे, मैसेज आएगा आपके पास, हाँ आपका एडमिशन हो गया कन्फर्म रूप से। तो ये जानकारी होगी आपके एडमिशन से रिलेटेड, मैंने आपको बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब एडमिशन फॉरम आएंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों को, या प्रदेश के सरकारी कॉलेज, चाहे एलबीएस कॉलेज हो, पानादेवी कॉलेज हो, सापरा का कोई कॉलेज हो, दोसा का कोई कॉलेज हो, अलवर का कोई कॉलेज हो, कहीं के भी जो प्रदेश के सरकारी कॉलेज जितने भी आते हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको साइट तो बताई दी, यहाँ पर नोटिस आपको देखने को मिलते हैं DCE, क्योंकि SSOID के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ, वहाँ से आप नोटिस देख सकते हैं जब भी एडमिशन आएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें। बात करूँ इस प्रवेश नीति का, जो मैंने सारी जानकारी दी है आपको, ये सारी जानकारी कहाँ से देखने को मिलेगी आपको, मैं PDF अवेलेबल करा देता हूँ जो पिछले सेशन का, अभी नए सेशन का तो जून में आएगा जब एडमिशन शुरू होंगे, पिछले सेशन वाला वही सेम मतलब PDF कंटिन्यू होता रहता है, तो ध्यान रखिए उसको भी आप पढ़ लेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी, पूरा पढ़ लेंगे PDF को कैसे एडमिशन होता है। ध्यान रहे फर्स्ट ईयर के एडमिशन का वीडियो था, आगामी अपडेट्स के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको डेली एजुकेशनल अपडेट्स जो आपके एडमिशन से रिलेटेड रहेंगी, एडमिशन के बाद में आपके जो मतलब कि एडमिशन कंप्लीट होने तक का, उसके बाद में आपके कॉलेजों के एडमिशन के बाद में जो भी प्रतियोगिताएं होती रहती उनकी जानकारी मिलेगी, आपके फोरम से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, आपके एग्जाम होंगे तब आपके फोरम के बाद में, तो एडमिट कार्ड वगैरह उन सभी की जानकारी आपको मिलेगी, और जब एग्जाम होंगे तब आपको गैस पेपर भी अवेलेबल होंगे कोटपुतली एजुकेशन के द्वारा। तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके भी गैस पेपर अवेलेबल हो रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है इसको लेकर वीडियो डाले हुए हैं, कितने नंबर के पेपर आते हैं, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर होते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी पहले ही अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉलेज एग्जाम के नाम से, उनको देख लेना, सारी जानकारी आपके लिए अवेलेबल है पहले ही। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं 2023-24 के सेशन में, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक मैसेज करके देख लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखें, आपके सारे सवालों का सोल्यूशन होने वाला, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं पंकज शेरावत कोटपुतली एजुकेशन से आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, कहीं पे भी आपका एडमिशन से लेकर और आपके रिजल्ट परिणाम जब तक डिग्री आप हाथ में ले लेंगे ना, तब तक आपको कहीं कोई समस्या आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ध्यान रहे संकल्प आपकी सेवा का, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हमने शुरू से ही किया, YouTube हमारे लिए 1 साल से आया लेकिन हम 6 साल से यह काम करते हैं, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड, मैंने कहा था आप पहले ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ। फोरम आपके जून में आएंगे भैया ना, फोरम जून में आएंगे, ये चीज़ आपको दे दी है मैंने जानकारी, इंतजार की है 12th का रिजल्ट का, और मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, जितना आपने परसेंटेज सोचा है उसे ज़्यादा ही आपकी बनेगी। तो ध्यान रहे आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जरूर लंबा हो चुका है काफ़ी, लेकिन उम्मीद है सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दिए, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि हमारे एडमिशन कैसे होंगे, क्या क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दिए। जुड़े रहे चैनल के साथ, थैंक यू।